हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कल के वीडियो में अपन ने सेट 2012 के पेपर को डिटेल में एनालिसिस किया था और जो दो महीने की अपनी क्या रणनीति रहेगी ताकि अपन सेट 2023 में मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकें और पेपर क्वालिफाई कर सकें। आज के वीडियो में अपन देखेंगे सेट 2012 के पेपर और सेट 2013 के पेपर के बीच में क्या डिफरेंस था और उनको डिटेल में एनालिसिस करेंगे और इसके बाद अपन देखेंगे कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सी यूनिट पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है ताकि अपन दो महीने के अंदर उन टॉपिक्स पर अच्छे से फोकस करके और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल कर सकें। तो मैं बात करूँ फर्स्ट यूनिट में एनालिसिस और लीनियर एलजेब्रा। एनालिसिस के अंदर फर्स्ट 2012 में 21 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन था ये वेक्टर कैलकुलस से पूछा गया था, मैंने यहीं पे ऐड कर दिया, तो मेरे पास 22 क्वेश्चन हो गए हैं एनालिसिस से और सेट 2013 में 17 क्वेश्चन हैं वो एनालिसिस से पूछे गए थे। सेकंड लीनियर एलजेब्रा में 2012 में सिर्फ 9 क्वेश्चन पूछे गए थे जबकि 13 के अंदर 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में 2012 के अंदर 20 क्वेश्चन थे जबकि सेट 2013 के अंदर इनकी संख्या वो 13 रह गई थी। अगर मैं बात करूं एलजेब्रा यानी कि अब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा तो 2012 के अंदर मेरे पास 9 क्वेश्चन थे और 2 क्वेश्चन नंबर थ्योरी के थे, तो इनको अपन एक साथ कमेंट लिख सकते हैं। तो 11 क्वेश्चन हैं वो 2012 में पूछे गए थे जबकि 13 क्वेश्चन हैं वो 2013 के अंदर पूछे गए थे। अब मैं बात करूँ टोपोलॉजी की तो सिर्फ एक क्वेश्चन आया था 2012 के अंदर जबकि 2013 के अंदर कितने क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे। अब मैं बात करूँ यूनिट थर्ड में ओडी के अंदर 9 क्वेश्चन थे और 2013 के अंदर कितने पूछे गए थे, सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन। पीडी की बात करूँ तो पीडी में 6 क्वेश्चन थे सेट 2012 में जबकि 2013 में 5 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। न्यूमेरिकल एनालिसिस में 3 क्वेश्चन थे 2012 में, 5 क्वेश्चन थे 2013 में। सीओवी की बात करूं तो सिर्फ 2 क्वेश्चन थे सेट 2012 में जबकि यहां पे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे सेट 2013 के। इंटीग्रल इक्वेशन की बात करूं तो 5 क्वेश्चन 2012 में थे और 5 ही क्वेश्चन 2013 में थे। अब मैं बात करूं मैकेनिक्स की तो 3 क्वेश्चन थे सेट 2012 में और 5 क्वेश्चन थे 2013। सेट 2013 में अपन क्या देख रहे हैं, जो ये टॉपिक्स हैं इनके अंदर प्रत्येक से नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 5 पूछे जा रहे हैं जबकि मेरे पास सेट 2012 की बात करूं तो इन टॉपिक्स में काफी वेरिएशन देखने को मिल रहा है। किसी टॉपिक से 9 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो किसी टॉपिक से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसी टॉपिक से 2 क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। अब अगर अपन ओवरऑल यूनिट वाइज देखते हैं तो यहां से मेरे पास फर्स्ट यूनिट के अंदर 22 और 9 31 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेट 2013 में फर्स्ट यूनिट से 32 क्वेश्चन पूछे गए। अगर मैं बात करूं यूनिट सेकेंड से तो फर्स्ट सेकेंड यूनिट से 20 और 12 32 क्वेश्चन पूछे गए हैं और अगर मैं बात करूं सेट 2013 के अंदर तो 26 और 5 31 क्वेश्चन पूछे। तो अगर यूनिट वाइज देखें तो 12 के अंदर 31 थे, 13 में 32 थे, सेकेंड यूनिट में 12 में 32 थे और 13 में 31 यानी कि 31 क्वेश्चन थे। तो यूनिट वाइज ज्यादा फर्क नहीं पड़ा लेकिन अगर अपन टॉपिक वाइज देखें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो काफी चेंज हुए हैं, यहां 9 से 15 हो गए हैं, यहां पे 20 से 13 क्वेश्चन हो गए। अगर मैं यूनिट थर्ड की बात करूं तो यहां पे मेरे पास लगभग नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो सेम। अब अपन बात करते हैं इस जो थर्ड यूनिट है उसके अंदर कितने क्वेश्चन पूछे गए, 5 10 15 20 25 30 क्वेश्चन पूछे गए लेकिन नंबर ऑफ टॉपिक कितने हैं, यहां पे मेरे पास 6 टॉपिक है। यहां पे अपन क्या देख रहे हैं कि यूनिट फर्स्ट से सिर्फ 2 टॉपिक्स हैं और क्वेश्चन पूछे गए हैं 32 जबकि यूनिट सेकंड में 3 टॉपिक्स हैं उनमें क्वेश्चन पूछे गए 31 और जो यूनिट थर्ड है उसमें 6 टॉपिक्स हैं वहां पे क्वेश्चन पूछे गए हैं 30 क्वेश्चन पूछे। तो जैसे जैसे यहाँ पे टॉपिक्स बढ़ रहे हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन भी घट रहे हैं, तो यहां से आपको आइडिया लग रहा है कि फर्स्ट यूनिट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर मैं बात करूं यूनिट फर्स्ट। और अगर अपन नेट का पैटर्न देखें 2015 के बाद तो यूनिट फर्स्ट से लगभग 55 से 60 क्वेश्चन के बीच सिर्फ लीनियर एलजेब्रा और रियल एनालिसिस से पूछे जा रहे हैं। अगर उस अकॉर्डिंग अपन सेट 2023 की बात करें तो यूनिट फर्स्ट से नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो ज्यादा पूछे जाने की संभावना है। तो अब हमें किस पर फोकस करना चाहिए,
तो यूनिट फर्स्ट और सेकंड इन दोनों पे तो फोकस करना है, यानी कि चार टॉपिक तो अपने को अच्छे से तैयार करने ही करने। अगर किसी साथी के चार टॉपिक अच्छे से तैयार हैं और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज भी है, दो दो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आपका सेट निकलने की पूरी पूरी संभावना। फिर अपन चर्चा करें स्टेटिस्टिक वाले पार्ट पे, तो यहाँ पे 34 क्वेश्चन थे जो घट के 31 हो गए, और मुझे लग रहा है कि सेट जो 23 में होगा उसमें मैक्सिमम 25 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उससे कम रहने की संभावना है। तो इस सेट के अंदर अगर मैं 25 भी मान के चलता हूँ स्टेटिस्टिक वाले पार्ट में, तो अपन लगभग 10 से 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो अपने पास अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा। अब अपने को करना क्या है, अपने को सिर्फ चार टॉपिक, तो ये प्योर पार्ट वाला ये टॉपिक्स हैं, वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनमें अगर अपने को क्वेश्चन आते हैं तो ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं होते। यहाँ पे मुझे अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो विद इन हाफ या 1 मिनट के अंदर आप क्वेश्चन कर लोगे, जबकि यहाँ पे मुझे सीओई क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन मुझे क्वेश्चन आ रहा है फिर भी कम से कम ये 1-2 मिनट ले लेता है। तो ये मुझे आते हुए भी क्या है मेरे लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं क्योंकि टाइम ज्यादा ले लेंगे। और ये क्वेश्चन अगर मुझे आ रहे हैं तो टिक करना है इसमें, ये क्वेश्चन जैसे अपन जीके में टिक करते हैं उसी प्रकार बहुत आसानी से टिक कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं लास्ट टाइम फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक नंबर थ्योरी में क्वेश्चन पूछा गया था 5/8 का मान बताओ। अगर आपको पता है कि 5 फंक्शन क्या होता है, अब कई साथियों ये नहीं पता 5 फंक्शन होता है क्या चीज, तो 5 फंक्शन बोलते हैं आइलर 5 फंक्शन या आइलर टोसेंट फंक्शन। इसका मतलब है कि 8 के को प्राइम बताने हैं जो क्या है 8 से छोटे हैं और पॉजिटिव इंटीजर है, तो 8 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर की संख्या बतानी है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 4। कौन कौन से आ जाएंगे, 1, 3, 5 और 6, ये नंबर क्या है 8 के को प्राइम नंबर है, 8 से छोटे हैं और पॉजिटिव इंटीजर है, तो उनकी संख्या 4। ये क्वेश्चन पूछा गया, तो नंबर थ्योरी की मैंने 3 वीडियो करवा दी है, डिविजन एल्गोरिथम, डिविजिबिलिटी और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है वो को प्राइम से रिलेटेड होगा, उसके बाद होमलेस मॉडुलो एन, उसके बाद मेरे पास वीडियो होगा ये आइलर 5 फंक्शन, फिर आइलर थ्योरम, लिटिल फॉर्मेट थ्योरम। तो अब मैं जो नंबर थ्योरी के उनके कंसेप्ट की चर्चा कर रहा हूँ, आने वाले 5-7 दिन में नंबर थ्योरी का जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट हो जाएंगी और अपन देखेंगे कि नेट और सेट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद एनालिसिस के जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इन पे चर्चा करके और फिर अपन एनालिसिस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आपके पास समय सिर्फ 2 महीने का बचा है, आप पेपर को डाउनलोड कर लीजिए और उनके प्रिंट निकाल लीजिए। उसके अलावा आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर के भी कम से कम 2 पेपर तो इस बार हुए थे, 2 टेक्निकल के थे और 2 इससे पिछले वाले, तो 4 पेपर ये हो गए हैं, 2 और 2 4, 6 पेपर वो हो गए, 10 और कुछ नेट के पेपर हैं। तो आप लगभग 20 पेपर को आराम से सॉल्व कर लोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कि एनालिसिस से किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेमिंग हो रहे हैं, एल्जेब्रा से किस टाइप के क्वेश्चन या कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर मैं बात करूँ एनालिसिस की तो काउंटेबिलिटी वाला पार्ट है, दूसरी बात सिक्वेंस और सीरीज के क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं, तो जो रियल एनालिसिस का अपने पता भी इस टॉपिक से 2-3 दिन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उस टॉपिक पर अपन ज्यादा मेहनत करेंगे। अब लग रहा है कि ये टॉपिक है लिनियर मेजरेबल वाला, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें अपन ज्यादा माथापोड़ी नहीं करेंगे। तो ये आपके पास 2012 और 2013 के अंदर डिटेल एनालिसिस है और इनके अंदर क्या डिफरेंस है वो भी अपन ने देख लिया। अब अपन इन दोनों से अनुमान लगा सकते हैं कि सेट 2023 का एग्जाम होगा वो किस लेवल का एग्जाम होगा और कौन सी यूनिट से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड किसी साथी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या आप टेलीग्राम चैनल पे भी मैसेज कर सकते हैं। मेरे लिए जो भी सेवा होगी मैं आपके लिए तैयार हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।